अफसाना। हाँ सलमाजा क्या कह रही है तू? क्यों सबको अलग अलग बतानी पड़ेगी? पूरा घर ही पागल है, एक बार की समझ में नहीं आती। क्यों चिल्ला रहे हो? चाय नहीं लाए? खाली हाथ आयो? शोर मचाना मुझे भी आता है। अरे से चिल्ली भाईजान, अरे भाईजान। और ये बोल कैसे रहा है? तमीज नहीं है ऐसे बोलने की? तुम कोई ऐली मैली चीज नहीं हो, गांव के प्रधान हो प्रधान, अवे तवे से बोल रहे हैं। हाँ हाँ गलती है, गलती गलती है। हाँ। आपकी तरह तमीज से बोलना चाहिए। हाँ। चाय लेकर आओ। जा रहे हो? बैठे हो यहाँ? इसकी चोंच मत करो। सलमा तेरी भाभी बुला रही, चाय भी अंदर जा। अरे क्या कह रही थी वो? कैसे बोल रही थी वो? कुछ नहीं कुछ नहीं, मतलब भाईजान आपकी पढ़ाई कर रही थी। प्रधान जी। मैं कौन है भाईजान? अंदर आ जाओ। राम राम जी। राम राम राम। बैठो बैठो बैठो। आओ भैया आओ। मैं नुका रहा हूँ प्रधान जी, गांव के जो बड़े बूढ़े लोग हैं उनकी पेंशन का काम आपके प्रधान फंड से होगा, और जिस पे आप साइन कर दोगे उन्हीं को पेंशन मिल जाएगी। अरे करना क्या है प्रधान जी को? एक रजिस्टर पे साइन अंगूठे जिनके लग जाएंगे उनके पैसे आपके खाते में चले जाएंगे, उन लोगों को आप बांट देना। ठीक है ठीक है ठीक है, बाद में कर दूंगा। तो मैं चलूं? बैठो भाई, चाय नाश्ता लेके जाना। जमीला चाय बना के लाना। प्रधान जी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे और गाँव में भी जाना है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पी लेना चाय। और तुम क्या बोले? चाय? वो भी मेरे हाथ की? भूल जाओ, वो महारानी कल की आई हुई पलंग पे बैठ के चाय पीती है। खबरदार, जो आज के बाद मुझे चाय के लिए बोला, आज के बाद खाना भी तुम बनाओगे या तुम्हारी बहन बनाएगी, समझ गए? चिल्ली ये क्या कह रही है? इसे क्या हो गया? मुझे क्या पता क्या हुआ, नुकसान हो जाता ही, पता नहीं हवा सी भर रही है। प्रधान जी ये बीच में घुस गया, मेरा नंबर था। बता थोड़ी देर में आ जाएगा, बिल्कुल गर्म हो गया। प्रधान जी ये कोई बात हुई? अरे तो क्या हुआ, तुम सारे भाई तो हो, तुमने तो शोर मचा रखा है सबने आपस में। तो फिर सबको लाइन से बुलाओ ना। बात तुम लाइन से नहीं बैठ रहे थे उसमें हम क्या करें? तुम तो सारे बदतमीज जाहिल हो पागल हो। क्या कहा? हम जाहिल है, हम बदतमीज है, हम पागल है। कभी ना काटे, अभी तेरी प्रधानी निकाल दूंगा। मैं कभी ना निकाले, मैं साले तुमसे सब मूर्ख साले वोट तुम्हें फिर भी ले लूंगा तुमसे। हम मूर्ख हैं, बताएंगे तुम्हें। तुम्हें पागल बता रहा, बेवकूफ बता रहा मैं? आया प्रधान। अबे प्रधान के बच्चे, तुझे क्या जरूरत थी वहाँ फालतू बोलने की? हाय कुछ से कुछ कह रहे, उनकी सुन लेता सालों की। अबे कुछ कमाना है तो सुननी पड़ेगी, यही मौका है कमाने का। हाँ हाँ मौके बहुत आएंगे, जब तक मैं प्रधान हूँ मौके बहुत आएंगे। ऐसा करो घर चल रहे वाले रोटी खाते हैं। चल भाई। कैसे बैठी हो भाभी? क्यों तेरी आँख फूट रही है, दिखाई नहीं देता? ऐसे बैठी हूँ। और बर्तन धो लिया तूने? नहीं भाभी। चल खड़ी हो, बर्तन धो। अभी धो। जा। कैसे बैठी है भाभी? इतने बड़े बाप की तो ना है जितना तू रोब जमा रही है। बड़े बाप की ना सही, मेरा आदमी प्रधान है। प्रधान? प्रधान है? हाँ। वो भी मेरी आदमी की बदौलत है कमीनी। कमीनी मत कह दियो वरना बहुत बुरा हो जाएगा, और मैं तो ऐसी खाऊंगी आराम से। मुझे प्रधान चाय भी बिस्तर पे देके गया। ठीक है मैं भी कम नहीं हूँ, आने दो दोनों को, आज खाना उन्हीं से बनवाऊंगी। भाभी तुम ही चुप हो जाओ, भैया प्रधान है प्रधान, लोग क्या कहेंगे, प्रधान के घर में झगड़ा। भाभी तुम दोनों मत बनाओ खाना, मैं बना लूंगी। चुप कर सलमा, तू कब तक बनाएगी? आज फैसला होके रहेगा।
फैसला हो या ना हो, मेरा तो मन है नहीं काम करने का। खाना या तो तू बनाएगी या प्रधान बनाएगा। भैया तो ये आ गए, भूख लग रही है, रोटी बन गई तो रोटी दे दे, भूख लग रही है। हाँ भाई लाओ लाओ खाना, लाओ खाना, खाना है। खाना खाना खाओगे? ऐसा करो रसोई में जाओ, खाना बनाओ, खुद खाओ और हमें भी खिलाओ। अबे ये क्या हो गया तुझे, इज्जत भूल गई? भूली नहीं हूँ, अब याद आई है। तो तू अब खाना नहीं बनाएगी? नहीं बनाऊंगी। कर लो क्या करोगे? करते क्या, खुद बना लेंगे। क्यों भाई सेकू? आप जैसे बोलो भैया। भाई जी खाना तुम मत बनाओ, खाना मैं बना लूंगी। तू चुप कर सलमा, तू आराम से बैठ। तू बैठ, हम खुद बना लेंगे। चलो भैया, चलो भैया बना लेते हैं खाना, वरना कुछ होने वाला। प्रधान जी। हाँ जी भाईजान, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे प्रधान जी आप खाना बना रहे हो? प्रधान जी के बीमार है? बे तुम अपना काम बोलो, हमारे घर का माहौल पूछना है। बे बात पूछो, क्या पूछना? अजी गलती होगी प्रधान जी, मैं तो पिलसन वाला अंगूठा लगवाना था। अच्छा वो? हाँ जी। एक काम करना, हाँ जी। पूरे गांव के भी अंगूठा दस्तक तुम ही करवा के लिया ना। रुखसाना? हाँ। वो रजिस्टर ठाकला अंदर से। ये नहीं ला सकती, खा खा के कटिया हो रही है। जा कटिया रजिस्टर ठाकला। ये कटिया ना है, हमारी बहन है, जा ले आ। तुम्हारी है? ठीक है जी। एक भी गलत होगा ना पूरी बिल्कुल तुझसे लूंगा। चलो भाई खाना बनाते हैं। बनाते हैं खाना भाई। आज भी आ जा तुम्हारा छान, मैं कुछ और करता हूँ, मसाला बनाता हूँ। ये तो करना पड़ेगा भैया, क्या करूँ सारा। अच्छा बताइए, ले पकड़ ले। आटा छान रहे सिर रहा भाईजान, भाईजान जल्दी बना लो खाना, दोनों में हवा सी भर रही है वरना कुछ होने वाला। भैया दाल में सीटी आ गई, कर रही फुर 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 कर रही है। रोटी तो बिल्कुल मजबूत बनाई है, टिकाऊ बनाई है, खा के देखती हूँ। ये कैसा खाना बनाया है, इतना नमक फूक रखा है इसमें। तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया ना सिखाया, खाना बनाना भी नहीं सिखाया। ऊँट के ऊँट हो रहे हो, गांव के प्रधान हो, ये रोटी भी जली हुई बना दी। बर्तन भी साफ करके खाना नहीं बनाया, कितने गंदे बर्तन हो रहे हैं। भाभी जैसी पक गई वैसी खा लो ना। सलमा तू बीच में मत बोल। अबे हमें तो बोलने का मौका दे दो। आज सच्ची बनाएंगे, हमारी तो भाभी बनाती थी, पता नहीं से क्या हो गया। जब दोनों की कमाई खाएगी तो पकाएगी नहीं। क्या कह रही है हराम जादी, अभी बता दूंगी। अरे खाना तो खा लो। आराम से खा लो, तुम पे खाया भी नहीं जा रहा। क्या कहा? खा लो खा लो, हमें तो गांव में काम से जाना। हाँ जाओ निकलो। क्या कह रही थी तू प्रधान के सामने? प्रधान के सामने? हाँ प्रधान के सामने। क्या मैं तो तेरे आगे भी बोल रही थी। सुतरी तेरा मुंह पीट दूंगी ज्यादा बोलेगी तो। मैं कह रही हूँ कल की आई हुई बात बना रही है, मान जा अभी बता दूंगी तुझे। मान जा, देखियो मान जा। Thank you.
भैया प्रधान जी। हाँ, ये लग तो सरकारी आदमी रहा। हाँ लग तो सरकारी रहा, लोगों को क्या पट्टी पढ़ा रहे आयो, चल के देखते हैं। भाई तुम दिक्कत मत लो, सबको पैसा मिलेगा, लेकिन मिलेगा प्रधान फंड से। ठीक है। और सर सेक्रेटरी साहब कैसे हो? कैसे क्या, तुम्हारे गांव वाले लोगों के साइन हो गए हो तो सबसे पहला पैसा आपके गांव वाले लोगों को मिलेगा। लाओ तो दे दो फिर। क्यों प्रधान जी, चाय पिलाने के मारे हिस्से टरकाना चाह रहे हो? हम टरका रहे हैं तो गांव में फिर का है, गांव की समस्या देखा है, समस्या देखा है गांव की। हाँ अरे वह चाय पीने के बाद घर चलो, चाय पी के जब जाना आओ, कागज कहाँ 10 तक के गाड़ी में कागज। हाँ भाई जी। गांव में साहब आए, चाय लाओ बढ़िया सी चाय लाओ। खबरदार जो चाय बनाई, अब पता चलेगा प्रधान और प्रधाननी को। प्रधान जी हमने सुना प्रधाननी आई है, उनके हाथ की चाय पियेंगे। वो प्रधानी की उंगली कट रही है, उंगली। हाँ जी उंगली कट रही है। मैं देखता हूँ। अजी रहन दो प्रधान जी, तुम कहीं मत जाओ, तुम साइन करो, पैसे लो, मुझे और गांव में भी जाना। ठीक है, अपने साइन करवाओ और काम निपटाओ। फिर मिलते हैं। अरे जमीला, ये इज्जत करेगी हमारे लोगों के सामने? तुम्हें चाय के लिए कहा था, पर कुछ नहीं। और एक बात सुन लो, मेरे कपड़े आने और सलमा के भी। मेरा नाम क्यों नहीं लिया? मैं क्या इस घर में भाग के आई हूँ? तुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, समझी? समझ के ही आई हूँ, वरना सारा काम टाइम पे होता। बस एक बात सुन ले, इसे इज्जत करनी जानती है तू? किसी को चाय ना पानी, मैं इस गांव का प्रधान है। प्रधान खदी अभी बनवा दो प्रधान। अगर तुम प्रधान हो ना तो मैं भी प्रधाननी हूँ, प्रधाननी। अरे भाई प्रधान, तू इनके मुंह मत लग, चल गांव में चल रहे, चल जाओ। इन्हें तो मैं देखूंगी। अभी मिल गया चैन, आ गया साबर, सूट पहनूंगी, सूट पहन ले, जम्पर सिलवा ले। तू भी सिलवा ले सूट। मुझे ना भाई, तुम दोनों फिर चालू हो गई, चलो अंदर। दो घंटे हो गए बैठे, प्रधान जी भी आए नहीं। लो आ गए प्रधान जी, अब बोलो क्या बोलना है। बोलो। पर चुप क्यों हो गए, हमने सब सुन लिया। क्यों भैया? हाँ भैया, जो तुम लोगों ने अंगूठे लगाए हैं वो उल्टे लगा दिए। क्या अंगूठा उल्टा, वो कैसे प्रधान जी? यार ये भाई भी हमारा रोज नए नए फलंतरे फांसता रहे। क्या सोच रहे हो प्रधान जी? कुछ नहीं भाई, सोचना कुछ नहीं। जिन लोगों ने अंगूठे उल्टे लगाए ना, अब उन्हें 100 रुपए देने पड़ेंगे जब ये कागज सूदे होंगे। क्या भैया? हाँ जी हाँ, सरकारी आदमी आके हमारे घर 4 बात सुना के गया। और बात सुन लो, और ये कहेगा जिसने अंगूठे लगाए साला पागल है, बदतमीज है। क्या वो मुझे गाली दे रहा था, उसकी ये मजाल? गाली तो वो दे गई जो अंगूठे उल्टे लगवा दिए, तो अब हर घर से 100 रुपए देने पड़ेंगे। ओ भाई, हमें देने की जरूरत नहीं है, हमारे क्या कमी है। अरे एक बात सुन लो, हम तो उन आदमियों को चाय नाश्ता अड़गम सड़गम बीड़ी सिगरेट सब पिलाते हैं, हैं? और तुम्हारी खातिर पिलाते सब है। क्या भैया, आगे तुम बताओ। हाँ भाइयो, हम बेईमान तो नहीं है, वो तो तुम ये सोच रहे हो जैसे वो हमारे घर में नोटों की गड्डी दे गया हो। मैं हमारा ये कहना है 100 रुपए अंगूठे में सही करवा लो, अभी टाइम है। ठीक है प्रधान जी, अब अपना सीधे करवा लो अंगूठे, इस पागल ने उल्टे जो लगवा दिए। हम इतने पढ़े लिखे हैं, हम पागल हैं? हम आज पहली बार सुन रहे हैं कि अंगूठे भी उल्टे लगते हैं। हम गांव के प्रधान है, हमारे सामने बोल रहा है। चलो भैया चलो। एक बात है भाई साहब, हाँ। 100 रुपए गांव वाले से और लेंगे, साले हमारे काम आएंगे, प्रधानी का पूरा मजा लेंगे। मगर एक बात है भाई साहब, हमारे घर में प्रधानी चीज नहीं है। हाँ ये बात तुमने सही कही, जब से रुखसाना आई है जमीला भी काटने को आती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बात है। समझ में आ जाएगा मैंने सारा प्लान बना रखा। क्या क्या भैया? वही मैंने दिशा
सुधार पालन पास करवा रखा। ये क्या होता है भैया? ये होता है भैया जब मैं इस्तेमाल करूंगा ना एक टमाटर भी फेंक दूंगा। हाँ चलो। तेरा क्या, तू तो अपने घर चली जाएगी लेकिन इस घर में यही लड़ाई चलती रहेगी कि इस घर में किसकी चलती है। देख लिया किसकी चलती है, मेरा गोठा कर रहा है काम। मैं क्या हो रहा है, किस्सा हमारे समझ रहे हैं कुछ? तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आने वाला, तुम खाना बनाते हो या नहीं? क्या नहीं, पर इसका मामला समझ में नहीं आया। खाना पका लो सेठ जी वरना। क्या करेगी वरना? मैं समझा रही हूँ वरना कुछ हो जाएगा। इसका मतलब जो मैं सोच रहा हूँ तू वो करेगी? हाँ जी हाँ जी। रुखसाना एक बात सुन ले, इस घर का मर्च का कैप्सूल ले आया हूँ मैं। क्यों भाई साहब? हाँ प्रधान जी, वो कैप्सूल इन्हें दिखाई दो, इनकी तो तबीयत ज्यादा खराब है। गोली लाओ या कैप्सूल, रोटी तो तुम्हें पकानी पड़ेगी। ठीक है, आज अभी इस घर की रोटी पकाने का काम खत्म करते हैं। देखा ये दोनों इनका बाप भी रोटी पकाएगा। मुझे ऐसा लगे तू आज कुछ करवा के मानेगी। हाँ देख लेंगे ले भाई, कुछ करवा के मानेगी। मुझे माफ कर दो, अब नहीं बोलूंगी, जैसे तुम कहोगे वैसे ही करूंगी। अजी मुझे माफ कर दो, आप जैसे कहोगे वैसा ही करूंगी। वाह एक बार बदलाओ, इस गांव के हम प्रधान और घर में कुछ नहीं। सब कुछ ठीक था जब से रुखसाना घर में आई है, जब से बिगड़ा है सब कुछ। और मुझे अभी कुछ नहीं करने देती थी भैया। शेख जी मुझे माफ कर दो, जमीला बाजी मुझे माफ कर दो। मैं तो क्या, मैं तो बाजी जब तुम मुझे देखने गई थी तुम कह रही थी घर में मेरी चलती है। आए है, मैं तो सही तो कह रही थी, मेरी भाभी है वो। मैंने सोचा कभी मैं पीछे रह जाऊं। इन्होंने तो अपनी अपनी घमंड में हमें फंसा रखा है। मगर भाई एक बात है, तुमने भाभी को लत मारा। भाई हमने तो पूरा गांव को पागल बना रखा और इन्होंने हमें पागल बना रखा। भाई इनकी ये नहीं समझ में आ रहा, हमने तो सरकारी गांव वालों से अंगूठे लगवा लगवा कर सारे गांव के पैसे हड़प कर लिए और गांव वाले ले लो टीली लीली झर। अबे टीली लीली झर तो मैं निकाल लूंगा अब तुम्हारा। दोनों भाई पूरे गांव वालों का पागल बना रहे, अब मैं जा रहा पुलिस में। भाई जान पुलिस में जाने की जरूरत नहीं है, अब हम ऐसा काम नहीं करेंगे। क्यों प्रधान जी? मैं प्रधान जी की बात सुन लो, कसम खाता हूँ गांव वालों, मैं तुम्हारे गाड़ी हाथ जोड़ता हूँ, जो हुआ सो हुआ। आज के बाद अगर कोई भी पैसा बेईमानी का खाए मैं खुदा की कसम खाता हूँ जितने पैसे आपके पेंसिल के हैं, बुजुर्गों के हैं और दान के हैं, मैं कसम खाता हूँ आज के बाद सब घर पहुँचाऊंगा। जाओ जाओ सब घर। देख लो प्रधान जी, आज के बाद कोई बेईमानी का भाई जान। हाँ सब समझ जाओ, अपने खुश रहो, जाओ भाई जान जाओ। जमीला बाजी जो हुआ सो हुआ, जैसे आपकी मर्जी। निकालता हूँ गिला, आप नाश्ता करो। ये लो ये लो। कितने जने हम? रुक दे यार। ठीक है भैया ये ले। ये बेटा मैं पढ़ाई कर सकती है? हाँ अपनी पूछताछ कर लो पूरी। मैं तो बीए तक पढ़ा हूँ जी। लो खा लो। भाई भाई शेख जी मैं तो अब लूंगा नहीं। खाओ ना ना शेख जी। ले एक तो खाओ, ये तो खाना पड़ेगा, खा के देख लो। खाओ 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 सटको। ये ले बाजी एक तो ही खा। नहीं बेटा मैं तो खा चुकी। खा ले इधर से, खा ले चौका ना, खा ले कूट का, खा ले।
भाई बहन जी खातिरदारी कराना कोई शेख चिल्ली से सीखा। हाँ, जान ले जाता खिला खिला के मार देता कसम से। ये तो इसकी खासियत है। अच्छा मैं ये कह रहा था बहन, और कुछ पूछना लौंडे से पूछ लो। हाँ मैं वही कर रहा हूँ शेख जी। बेटा नूरा। हाँ जी। ये बताओ हाथ का हुनर तो है ना तुम्हारे पास खेती बाड़ी के अलावा? हाँ जी हाँ जी है। हाँ जी। नहीं खेती बाड़ी के अलावा जिस हाथ के हुनर होते हैं बहुत सारे वो सब कर लेते हो बेटा? हाँ जी कर लूं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा और बहन देखो हमारी इकलौती बेटी है, हम यही चाहते हैं कि हमारी बेटी जहां भी जाए सुख चैन से रहे। अब शेख चिल्ले ने हमें रिश्ता बताया और हमें इस पे पूरा भरोसा है और हम चले आए। अरे एक बार और ना इकलौती बता दो, इकलौती किसे कहें? इकली लड़की है ना इकली। अजी हम आपकी बेटी को हाथों पे रखेंगे। अभी जब हम ब्याह देंगे उसे हाथों पे रखो, सर का ताज बनाओ। अजय बाजी हाथों पे क्यों रखोगी, वो कोई आपाज थोड़ी है। नहीं नहीं मेरा मतलब बहुत लाड प्यार। नो कह लाड में रखेंगे हाथों में आप आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम अस्सलाम भाई जान। मैं एक बात भाई सांड की जरूरत है ना, बता तेरी क्या जरूरत है? देख भाई से एक चिल्ली, मैं हूँ बिन बुलाए मेहमान और मैं कुछ बिगाड़ने ना आया हूँ तुम्हारा अन्ना बिगड़वाने, मैं तो शुभकामना देने आया हूँ। मैं शुभकामना दे मैं शुभकामना दे जब देखा जब तेरी शिकल सुबह मैं तेरी शिकल तुझे नाश्ते को बोला किसी ने? मतलब हमें भी जरूरत पूछने की। अच्छा पीले पर नमकीन का हाथ मत लगाइयो। नमकीन तो मैं जरूर खाऊंगा थोड़ी सी। अरे भाई आप लोग नोकझोंक करते रहना। अब बेटा नूरा एक बात बताओ। हाँ जी। भाई देखो रिश्ता तो हम पक्का कर ही देंगे, रिश्ता पक्का होने के बाद मेरा मतलब शादी वगैरह होने के बाद हमारी बेटी का बोझ तो उठा सकोगे ना? हाँ जी मैं तो बहुत बारी गठड़ी ठा लूं, बहू को भी ठा लूंगा। तुम बोझ ठाने की बात कर रहे हो, यू ब्याती हुई भैंस का लवारा ठा लिया हुआ है, 12 लो पैसे मोटर खोल लिया हुआ है, बाजार में से दुकानों पर सामान ठा ले हुए, सब्जी वाले की सब्जी ठा ले हुए। अजी तो क्या बात है, तो एडमिन की बात में विश्वास मत करो। भाई तू लौंडे को तुमने देख लिया, अपने सिक्का चढ़ाओ। हाँ भाई देखो शेख जी रिश्ते नाते की बातें कोई ऐसी जल्दबाजी में तो होती नहीं। भाई तुमने नाश्ता वापिस रख रहे हो, तुम तो घबरा गए यार। भाई सोच विचार तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है, अब ऐसी तो एकाएक तो समझा करो। अजी नहीं इसकी तो मजाक करने की आदत है। अच्छा चलो तो फिर मजाक तो मैं थोड़ा बहुत ही करूंगा। आराम से बैठो रे। अरे दे प्लेट का समोसा तेरे मुंह पे मार दूंगा। थोड़ा बहुत करे। बुलाए समोसा मत खा। बस समोसा हराम का। देखो भाई और कोई पूछताछ करनी है पूछ लो, लौंडा तुम्हारे सामने बैठा, कल को मेरे पे बुराई ना दे दियो। भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। हाँ तो बेटा नूरा एक बात बताओ। हाँ जी। पढ़ाई कहाँ तक की है तुम? मैंने जी बीए तक की है पढ़ाई। देखा बीए पढ़ा लड़का, कसम खुदा की खा रहा मैं ऐसा लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, ईमानदार से तो सुंदर सुशील घबरू लड़का, और तुम नौचंदी के मेले में लाल टल लेकर ढूंढोगे ना तो भी ऐसा लड़का नहीं दिखेगा। और सुन 60वीं का जमीन बीए पढ़ा हुआ गटड़ी भी सर पे। अच्छा सर पे धला हुआ घास की पटापट 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 चलता चला हुआ। कह रहा शेख चिल्ली बिल्कुल बीए पढ़ रहा, बीए का मतलब है बी का मतलब बाम, अरे का मतलब आम। उसके बाद इसने कटवा लिया था अपना नाम स्कूल से। क्यों रे एडमिन तू मेरे बेटे की बुराई कर रहा है या बड़ाई कर रहा? अरे मैं तो तारीफ कर रहा हूँ इसकी, बुराई क्यों करूंगा? मैं तो इसके अंदर जो हुनर है उन्हें निकाल के आगे रख रहा हूँ जिससे इसका रिश्ता पक्का हो। भाई शेख चिल्ली भाई एक काम करते हैं, रिश्ता एक दो दिन में जवाब देते हैं, अभी हम चलते हैं। एक बात सुनिए नाश्ते में तो एकदम खा गया, नाश्ते में कल वो खाऊंगा, एक दो दिन बताऊंगा। हैं नाश्ता सटा क्या तू? भाई देखो देखो भाईजान इसकी बेवकूफ मजीद है, बेवकूफ है ये तो, खान का हफ्सी है। अब ऐसा करो एक रुपया दो लड़के को अपनाओ और अपने काम पक्का करो। लड़का तो पसंद है और हर तरह से ओके भी है, बस बीच में ना वो एडमिन है ना वो जस्ती भांजी मार रहा है। दिक्कत की कोई बात नहीं है, भतीजे तू बात कर ले, बोल दे चाचा जी तैयार है। हाँ बेटा। अच्छा। एक बात सुन, रिश्ता अपना पक्का करके घर से निकल लो चाचा बीजी से, बस तुम्हारे चक्कर में रिश्ते के चक्कर में मेरा तो अपना घर का बिजली का टैक्स भरना भूल गया।
अरे टैक्स से मुझे एक बात ध्यान आ गई, सरकार ने जमीन पे डबल टैक्स लगा दिया, अब साल में दो बार टैक्स भरना पड़ेगा। क्या दो बार लगा भरना पड़ेगा सरकार का? ये तो सरासर जुर्म है जी। अरे नूरा, टैक्स के नाम पे तेरे तोते से क्यों उड़ गए? जमीन तो तेरे पे ना मेरे पे, हमें क्या टेंशन? शेख चिल्ली, तू तो कहता था इनके पास 60 बीघे जमीन है, इनके पास तो एक फुट भी जमीन नहीं है। तो इन भिखारियों के साथ हमारी हमारी बेटी की किस्मत फोड़ना चाहता था? हमें नहीं करता ये रिश्ता। अरे रिश्ता नहीं करना, निकलो। मैं निकलो। ए बेइज्जती मत क्या करो, मैं निकल जा। हैं जैसे हराम का माल खा लिया तुमने। शेख जी ऐसी बातें मत क्या करो, हम हराम के समझ के खा के गए यहाँ पे। हैं बस तो जब खा रहे थे उससे पहले कहते लड़का दिखाओ, तब समझ में आता मत खाते फिर। नहीं लड़का तो समझ में आ गया, मगर ये भाई साहब जो भी है इन्होंने हमें कंफ्यूज कर दिया थोड़ा सा। कंफ्यूज कर दिया? हम इसका कंफ्यूज काट देंगे साले का। तो इनका फ्यूज व्यूज उड़ा दो फिर हम, ताकि ढंग से बात कर सके। भाई बिन बुलाए तो मेहमान होने भी नहीं चाहिए। मैं तो इनके फ्यूज उड़ाने के चक्कर में हूँ। इसके से बात रहे, इसके तो इसे इसे क्या कमी है? इसके तो टावर चल रहे हैं, इसके तो हिंदुस्तान में क्या वर्ल्ड में एडमिन के टावर चल रहे हैं, यूट्यूब फेसबुक ईमेल जीमेल इसके तो ये चल रहे हैं। भाई देखो शेख जी, कुछ भी हो बेटी हम वहां भी आएंगे जहां देख करके सोच समझ अच्छे से देख करके तसल्ली कर लेंगे। भाई नहीं आंखों देखी मक्खी तो हम सटक नहीं सकते। जा मक्खी उठ, निकल जा। अरे निकल रे, निकल निकल यार, बेइज्जती मत क्या करो, निकल ले। बेइज्जती नहीं उठा नहीं, निकल ले। बहन जी सब कुछ ठीक है मगर ये यहाँ भी ठीक नहीं है। अजी बैठे तो सही, साले के हिरन मादवा, हिरन मादवा था ना इसका। अरे हराम खोरो, मुझे क्यों मार रहे हो, मुझे छोड़ दो हराम खोरो, मैं तो थारा रिश्ता पट्टा करवाने के चक्कर में था। भाग एडमी भाग, पत्ता भी समर जाना। मैं लोड़े का रिश्ता बना बना बिगाड़ दिया एडमिन के बच्चे। मैं तेरा वर्ल्ड में एडमिन चल रहा है, फेसबुक यूट्यूब चल रही है, तो हमारे लोड़ा रिश्ता नहीं होता। तो पता नहीं एडमिन का बच्चा कहां से आ जावे हर बार, मैं लोंडे का रिश्ता ना होने दे रहा। मेरे फुलवा जैसा लोंडा हर बार मन महसूस कर रह जावे। और तू क्या बैठा है यहां, जा दूसरा रिश्ता देख के ला। अरे देख लूंगा, अरे बंद कर ले। मैं क्या कहनी जल्दी, मैं बीए पढ़ाऊं या क्या डिग्री बता दे, हम अपना डिग्री बता देते। अच्छा नहीं, मैं अपना हाथ पे रखूंगी, हाथ लगाऊंगा पाई जाए। और क्या कहती, पहले कहते हम उसे लाड़ रखेंगे, लाड़ जाओ रखेंगे, बस काम तो तुम बिगाड़ो सारा है ना। जा चला जा, और अब की बार ऐसा रिश्ता ढूंढ कर लाइयो जो भी रिश्ता पक्का ही करके जावे। एक बात इस एडमिन का ढंग बना ले, भटकना जा आज भी। इसका तो मुझे इंतजाम करना पड़ेगा एडमिन के बच्चे का। बस चुप हो जा, शेख चिल्ली ला रहा ना दूसरा रिश्ता, चल बैठ, चल समोसे खा तू। ओबे 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 गोलगप्पे वाला तो खड़ा, मगर मेरे पास आना भी नहीं है, खाऊंगा कैसे? हाँ फंसेगा कोई, वो भी ये तो फंस गई चिड़िया। मैडम आपको भी गोलगप्पे खाने? गोलगप्पे? हाँ तुम्हें क्या मतलब? मैं मेरा मतलब ये है कि मुझे भी खाने। तो जाओ खाओ पागल कहीं के। मैं खा तो लूं मगर उन्हें करा दोनों को खिलाऊंगा। जाओ खाओ। ₹5 हो गए भाई। भैया गोलगप्पे खिलाना। कितने के खिलाऊं जी? भाई साहब मुझे तो 4 खिला दो, बाकी ये जितना खाए से खिला दो। अच्छा जी। खिला दे खिला दे, मुझे लग रहा नया नया खिला रहा। भैया मीठा मत डालना। अभी खोली भाई दुकान। ओ आराम से, भाई कदा पूरा डूबो दे। ये लो जी आप भी पूरा डूबा हो ले। Oh.
भैया। मैडम आपके खुले पैसे हैं या मैं दूं? मैं अपने आप दे दूंगी, आप जाइए। चलिए ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मेरा नाम शेख चिल्ली है।